सब्जी में स्वाद का तड़का लगाने वाले टमाटर की बुरी हालत हो गई है। दिखने में बेशक टमाटर लाल होता है, लेकिन दिन काले आ गए हैं। जी हाँ, बैतूल से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। बैतूल में कभी 100 रुपए किलो से अधिक दाम पर बिकने वाले टमाटर के दाम 1 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि किसान टमाटर की फसल को खेती में ही नष्ट करने को मजबूर है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि टमाटर की अच्छी कीमत नहीं मिलने के कारण किसान टमाटर को जंगल में फेंक रहे हैं, जिन्हें बंदर स्वाद लगाकर खा रहे हैं। बंदरों को खिला दिए गए। हम टमाटर लेकर मंडी गए थे विक्रय करने के लिए, तो हाँ हमारा टमाटर इन्हें विक्रय नहीं है, बिका नहीं वहाँ टमाटर। तो मंडी द्वारा हमें किया गया कि आप इसे एक तो बाहर फेंके दे दीजिए या कहीं और ले पहुँचाइए। तो रेट नहीं रखा रहने के कारण हमें उसको यही उचित समझा कि इसको जैसे आप जैसे जंगल में छोड़ दिया जाए, तो कम से कम जैसे कुछ भी खा लेंगे, जैसे बंदर हो गए, उस हिसाब से हमने सोचा उसके बारे में। कितना नुकसान हुआ है आपको लगभग? समथिंग 4 से 5 लाख समथिंग हुआ है नुकसान। टमाटर उत्पादकों को कीमत ना मिलने के कारण खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बम्पर उत्पादन के बाद भी स्टोरेज सुविधाओं का अभाव, जिले और जिले के बाहर मंडियों में मांगों की कमी के चलते किसानों को अपनी मेहनत अपने हाथों से बर्बाद करनी पड़ रही है। भैंसदेही ब्लॉक के प्रवीण थोटे ने हर साल की तरह इस साल भी बड़े रकबे से टमाटर लगाए थे और अच्छे दाम मिलने की आस थी, लेकिन मुनाफा तो दूर घाटा सहना पड़ा। टमाटर के दाम 1 रुपए किलो तक पहुंच गए। मंडियों में माल बिक नहीं रहा, जबकि क्रेट की तुराई ही 20 रुपए पड़ रही है। देखो टमाटर का कैसा है, टमाटर के उठाव खत्म हो गए। अभी जितनी जो अपने मंडियाँ चलती थी, होशंगाबाद है, बैतूल है, भोपाल है, ये मंडियों में माल नहीं बिक रहा। दूसरी चीज क्या है कि किसान को 20 रुपये कैरेट की तो तोड़ो ही है, 20 रुपये कैरेट लगता है उनको तोड़ने का। अब मंडी में जाके अगर अपन भोपाल भी अगर माल बेच रहे हैं, तो हम खुद भी माल ले लेते थे मंडी से कभी जभी और भिजवाते थे, तो हमको जो है 20 रुपये कैरेट के पैसे नहीं आ रहे, किसान को भी नहीं आ रहे। तो अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि माल का उठाव ही नहीं है कहीं भी। दलाल जो बाहर के जो व्यापारी है, भोपाल के बोलो, होशंगाबाद के बोलो, ये साफ मना कर रहे कि भैया टमाटर मत लाओ। मंडियों से टमाटर की मांग नहीं आ रही है, टमाटर खेतों में ही सड़ने लगे हैं। किसानों ने खेतों में लगे टमाटर की फसल पर रोटावेटर चला दिए हैं। जिस फसल के सहारे उनके घर का गुजारा चलना था, उस फसल पर दिल भारी करके जंगलों में फेंकना पड़ रहा है। लिहाजा किसानों की समस्या को समझते हुए इसका निदान करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बैतूल से विनोद पातरिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।